एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। तो देखो, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:03 हुआ है और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जस्ट पूजा दे के आई हूँ एंड शाम को रंगोली दिया है, वो भी आप देख लो कि क्या क्या कर रही थी शाम से। तो चलो अभी से ये ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड रूही उधर सोई हुई है। तो अभी मैं रंगोली डालने आई हूँ क्योंकि आज है सैटरडे एंड सैटरडे को यहाँ पे तुलसी मैया के सामने पूजा रहता है। रूही के पापा करते हैं हर सैटरडे को पूजा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है, रूही भी सोके है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जगह को सजाया जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रंगोली लेके बैठ गई हूँ। वैसे एवरी सैटरडे को करती हूँ ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि नहीं करती हूँ, आज ही कर रही हूँ। और अगर कोई स्पेशल ओकेज़न रहा तभी बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती। फटाफट बनाना पड़ेगा, अगर रूही उठ गई तो फिर हो गया, फिर काम को समापन करना पड़ेगा मुझे। सो हियर इज माई रंगोली कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल से बनाया है, सिंपल तरीके से मेरी रंगोली तो बनाना कंप्लीट हो गया है। और अभी थोड़ा सा सोच रही हूँ कि गेट के सामने भी रंगोली डालूं, अगर टाइम मिलेगा तो कंप्लीट हो पाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो शायद से कंप्लीट ना हो। देखो इधर भी मैंने रंगोली डाल दिया है, रुको देखो। चलो अभी मैं जा रही हूँ रूही को उठाने के लिए। एंड ये देखो इधर का भी हो गया है कंप्लीट। वो सॉस्टिक जो है वहाँ पे घट, जो क्या बोलते हैं उसे, घट स्थापना करेंगे, और वो गेट के पास भी थोड़ा सा मैंने बना दिया है। तो अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब ऐसे कलर्स डालने के बाद थोड़ा सा मन में भी कलरफुल कलरफुल वाली फीलिंग्स आती है। तो चलो मैं रूही को उठा के लेके आती हूँ, या फिर देखती हूँ, अगर वो उठेगी तो ही उठाऊँगी, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी उसके साथ, क्योंकि उसके साथ ज़बरदस्ती करना एकदम बेकार जाता है। तो लेट्स सी वो उठती है या नहीं। तो चलो मेरा तो सभी काम हो गया है एंड अभी रूही के पापा गए हैं मार्केट सब्जी लाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज सुबह से ही हमारे यहाँ पे बारिश का वातावरण जैसा है, क्योंकि कल रात को मतलब 2-3 बजे से बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हुआ है रात में, प्लस आज सुबह से बहुत ही तेज़ हवा भी चल रही है। तो पता नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इधर मेरी पूजा हो गई है एंड रूही के पापा भी इधर आ गए हैं मार्केट से, और आज थोड़ा सा लेट गए थे इसलिए लेट ही आए हैं। और बहुत सब्ज़ी लाना था क्योंकि घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं था, सब ख़त्म हो गया था, इसलिए जो है आज लेट हुआ है। और उधर पूजा देते देते रूही भी उठ गई थी, तो उसे लेके मैं बाहर ही बैठी थी। और है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे सुबह का आप ब्लॉग देख रहे हो, तो रूही जस्ट नींद से उठी है और उसे बाहर ला के झूले पे सुला दिया है। देखो सुबह हो गई है एंड आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला था, धूप नहीं निकली थी। एंड अभी घड़ी में टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, तो देखो जस्ट सूरज निकल रहा है एंड कितना अच्छा लग रहा है ना क्लाउड। तो चलो मैं फटाक से काम कर लेती हूँ। रूही अभी उठी है थोड़ी देर पहले और अभी वो थोड़ा सा खेलेगी, क्योंकि उसकी मम्मा काम करने वाली है ना मम्मा? यस से यस
से यस मामा। तो चलो आप ब्लॉग देखते रहो। एंड रूही का इंजेक्शन लेने के बाद आज रूही के सामने कैमरा लाई हूँ, क्योंकि वो मतलब रोई नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रही थी, है ना। तो चलो मैं काम करके आती हूँ। इस बार के वैक्सीनेशन के बाद रूही ज़्यादा रोई नहीं, लेकिन रात को बहुत ही तेज़ बुखार हुआ था उसे। एंड हाँ, बुखार हुआ था ना आपको, रूही भी बोल रही है। तो बहुत ही तेज़ बुखार हुआ था, शाम को भी बुखार आया था, फिर चला गया था, फिर रात में फिर से। तो रात में उसे मैंने मेडिसिन दे दिया था, तो उसके बाद जाके हम बुखार उतरा। और फिर नेक्स्ट डे से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं करा। तो रोई नहीं, अच्छे से खेली वो, मतलब अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा फील कर रही थी। ऑब्वियसली छोटा सा बेबी है तो उसे तो लगेगा ही। तो देखो आज रूही का फोर मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो फोर मंथ को स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा उसका फ़ोटोशूट कर लेते हैं, जो फोर मंथ कंप्लीट हो गया है उसके लिए। तो अच्छे से फ़ोटोशूट किया है एंड रूही ने भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया है अपने शूट को। एंड ये जो थीम है वो थीम मैंने इंटरनेट से देख के ही रखा है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और रूही कैसी लग रही है? ये हैप्पी फोर मंथ माय क्यूट बेबी, हैप्पी फोर मंथ, रूही फोर मंथ इज कंप्लीटेड टुडे। ओके चलो शूट हो गया हमारा, अभी चलो।